बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष नागपुर महानगर पालिका स्कूल द्वारा 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन तीनों विभागों में लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसकी खुशी महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताते हुए सभी विद्यार्थियों का सत्कार किया। नागपुर महानगर पालिका द्वारा इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष 106 विद्यार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, जिसमें से 102 विद्यार्थी ही परीक्षा दे पाए थे, जिसमें से पूरे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। बुधवार को नागपुर महानगर पालिका में 12वीं बोर्ड में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए उनका सत्कार किया गया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में इस वर्ष भी लड़कियों ने बाजी मारी, जिसकी खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम दर्शनी सपटकर है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज की छात्रा हूँ। मुझे HSC का 21 एग्जामिनेशन में 91.83% मिले हैं। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपनी प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ। उन्हीं की सपोर्ट और स्ट्रेंथ और मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड का कल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया और हम सभी के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इसमें नागपुर महानगर पालिका के हमारे 12वीं के सभी विद्यार्थी जो हैं उन्होंने 100% रिजल्ट दिया। इस वर्ष परीक्षा में 106 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 102 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, चार अनुपस्थित रहे और ये सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ में पास हुए, इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे विज्ञान शाखा की बेटी ने इसमें सर्वोच्च अंक लिए, 91.86 मार्क लेकर के हमारी अम्बेडकर विद्यालय की बच्ची ने सभी में उच्चांक हासिल किया है। एक विशेष बात रही कि आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी, ये तीनों फैकल्टी में जो पहला, दूसरा, तीसरा क्रमांक प्राप्त किया, ये सारी की सारी बेटियां हैं और सारी बेटियों ने महानगर पालिका का गौरव बढ़ाया, इसलिए विशेष रूप से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्व ही शुरू है कि ओलंपिक में भी पदक की यादि में बेटियां ही अग्रक्रम पे हैं और आज महानगर पालिका में भी उस यादि में बेटियों ने ही अग्रक्रम स्थापित किया है। इन बेटियों से आज हमने निवेदन किया है कि महानगर पालिका ने महापौर कक्ष में, विशाल कोठारी जी वहां काउंसिलिंग के लिए बैठते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन 11 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं, इसलिए इन बच्चों ने उस सेंटर का लाभ लेकर के अपने जीवन की दिशा आगे तय करनी चाहिए। शिक्षण अधिकारी महोदय को भी हमने आज एक विषय दिया है कि इस सप्ताह में हमारे जितने बच्चे 12वीं पास हुए हैं, इन सभी बच्चों की एक वर्चुअल मीटिंग लेकर के एक काउंसिलर के माध्यम से 12वीं के बाद उन्होंने किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, आर्ट वालों ने किस दिशा में जाना चाहिए, कॉमर्स वालों ने किस दिशा में और साइंस वालों ने किस दिशा में जाना चाहिए, इस प्रकार की काउंसिलिंग करने के निर्देश दिए हैं।